नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आप सबका इंतजार पूरा हुआ, जो मंदिर है वो बनकर तैयार हो गया है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मंदिर कैसा बनकर तैयार हुआ है। वैसे थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको पिछली वीडियो देखकर लग ही गया होगा कि मंदिर कैसा बनेगा, लेकिन जब पूरा बनकर तैयार होता है तो उसका जो रंग रूप है कुछ अलग ही निकल कर आता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि जो ठाकुर जी ने अपने लिए जो मंदिर बनवाया है वो कैसा बनवाया है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये देखिए, मंदिर कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है। आपको पूरा दिखाई दे ही रहा है कि तीन डोर है सेंटर में, साइड में दो पल्ले हैं। और जो पहले का मंदिर था उसमें जो तीन डोर थी वो एक साइड थी और जो दो पल्ले थे वो एक तरफ थे। तो ये अब उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके का बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसके अंदर जो लाइट्स हमने लगवाई हैं वो कैसे कैसे लगवाई हैं वो दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने मंदिर की लाइट जला दी है। तो आप देख ही रहे हैं कि बांसुरी, मोरपंख और ओम बना हुआ है। और जो ऊपर की तरफ ये आर्क बनवाया है। और उससे ऊपर जो ऊपर का जो स्पेस था वो कुछ ओपन था, क्योंकि पहले मंदिर पूरा ऊपर छत तक था, लेकिन इस बार हमने थोड़ा चेंज करवाया तो वो थोड़ा गैप आ रहा था, तो वहाँ पर भी हमने अलग डिजाइनिंग करवा दी। तो उससे जो मंदिर है वो और भी निखर कर आया, और भी सुंदर लग रहा है। अभी इसके अंदर और भी लाइट्स लगवाई हुई हैं, तो वो भी आपको मैं थोड़ा जलाकर दिखाती हूँ कि मंदिर का जो लुक है कैसा आया। तो चलिए मैं आपको लाइट जलाकर दिखाती हूँ। तो मैंने लाइट जला दी है, तो दोनों पिलर पर फोकस लाइट जली है, जो कि कान्हा जी और राधा रानी पर होगी। और दो लाइट्स लगी है इधर नीचे की तरफ, यहाँ पर विराजमान होंगे हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी। तो दो लाइट्स उन पर है, बाकी तो वाइट लाइट भी लगी है, येलो भी लगी हुई है। तो बस कुल मिलाकर ये कि मंदिर में पूरी रोशनी ही रोशनी है। तो चलिए पूरा मंदिर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये पूरा प्लेटफॉर्म है, इसमें तीन ड्रोर लगी हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जो ऊपर की ड्रोर है इसके अंदर मैंने पहले भी घी और जो डेली रूटीन में हमें जरूरत का सामान होता है वो इसमें मैंने रखा हुआ है। बाकी तो अभी सामान थोड़ा जचाना बाकी है, क्योंकि वुडवर्क अभी घर में चल ही रहा है तो फैलाव काफ़ी हो ही रखा है। और ये है दूसरी डोर, इसके अंदर जो ठाकुर जी राधा रानी की ज्वेलरी है। और एक और है तीसरी डोर, और इसके अंदर है लड्डू गोपाल जी के डेली यूज में पहनने वाले उनके कपड़े, जो डेली रूटीन में डालते हैं। पहले ये तीनों ड्रोर थी साइड में, तो मुझे थोड़ा अभी भी परेशानी होती है कि जो कपड़े मुझे निकालने होते हैं तो मुझे मेरा जो सीधा हाथ है इसी तरफ जाता है। और ये लगे हुए हैं पल्ले, इसमें जो कपड़े मैं इनको नहीं पहनाती हूँ, जैसे राधा रानी और कान्हा जी के जो कपड़े हैं, जो उनकी पोशाक है वो रोज़ रोज़ तो नहीं बदली जाती है, तो इसलिए मैंने इस तरफ रख दिए। और इस तरफ मैंने रखी हुई हैं जो इनका गोपी चंदन है, गोपाल जी को पगड़ी वगैरह पहनाती होती है उन वो रखी हैं। और यहाँ पर गंगा जल है, पीछे की तरफ मैंने रखी हुई है अपनी जो किताबें हैं जो मुझे चाहिए होती हैं। तो चलिए बताती हूँ राधा रानी और कान्हा जी कहाँ विराजमान होंगे। ये एक बनवाया है, यहाँ पर सबसे ऊपर राधा रानी और कान्हा जी विराजमान होंगे, एक तरफ होंगे लड्डू गोपाल जी विराजमान और एक तरफ माता रानी को विराजमान कर दूंगी, और यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी और बाकी जैसे हनुमान जी हैं, लड्डू गोपाल जी, अष्ट धातु के मेरे पास छोटे वाले राधा कृष्ण हैं, शालिग्राम जी हैं और शिवलिंग भी है, तो दोनों तरफ यहाँ विराजमान कर दूंगी। इन दोनों का एक फ़ायदा यह है कि इसको मैंने फिक्स नहीं करवाया है, ये हट भी जाता है। मान लो कभी कोई मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मुझे स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैं इन दोनों शेल्फ को यहाँ से हटा कर, तो ये जो मुझे पूरा एरिया है वो मिल जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं मंदिर वाइट कलर का ही बनवाया है, तो उससे काफ़ी जो इसका लुक है अच्छा निकल कर आया है। और जो पिलर है वो कंट्रास्ट में ले लिए ब्राउन कलर के, और जो नीचे भी जो सनमाइका ले लिया, जो पल्ले वगैरह बने हैं, ड्रॉर बनी है, वो भी ब्राउन कलर के लिए है। तो जो इसका कलर कंट्रास्ट है वो काफ़ी अच्छा है। तो मंदिर तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि कैसा बना, लेकिन मंदिर की सुंदरता तब बढ़ेगी जब इसके अंदर ठाकुर जी, राधा रानी
और जो सभी देवी देवता मेरे पास हैं इसके अंदर विराजमान हो जाएंगे तो मंदिर और भी सुंदर लगेगा। तो आप लोगों ने बोला ही था कि जब मैं नए साल का श्रृंगार किया था राधा रानी का और कान्हा जी का, तो आप लोगों ने बोला ही था कि मैम आपने दोनों के इकट्ठे दर्शन नहीं करवाए। तो मैंने सोच रखा था कि जब भी मंदिर बनकर तैयार होगा तो मैं कान्हा जी और राधा रानी की उसी पोशाक में मंदिर में विराजमान करके आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी। तो अब मैं राधा रानी और कान्हा जी को मंदिर में करूंगी विराजमान, यानी कि पूरा मंदिर मैं अब लगा दूंगी। जो भी फोटोज़ हैं, मूर्तियां हैं मेरे पास, वो मैं मंदिर में लगा दूंगी। और बाकी तो धीरे धीरे सामान आता रहेगा सजाने का, जो वो धीरे धीरे होता ही रहेगा। लेकिन मंदिर काफ़ी टाइम में बनकर तैयार हुआ, लेकिन अगर टाइम में बनकर तैयार भी हुआ तो बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए ठाकुर जी राधा रानी को मंदिर में विराजमान करती हूँ। तो ये देखिए, एक तरफ मैंने छोटे वाले राधा कृष्ण और शालिग्राम भगवान, मैंने आपको बताया था कि मेरे घर शालिग्राम जी एक और आए हैं, कार्तिक के महीने में आए थे, और माँ सरस्वती, अष्ट धातु के लड्डू गोपाल जी और पंचमुखी हनुमान जी को विराजमान कर दिया मैंने। और ऊपर विराजमान है हमारे लड्डू गोपाल जी, और एक तरफ मैंने चारपाई पर बिठाया हुआ है दो लड्डू गोपाल जी और हैं, वो मेरी भाभी के मेरे घर ही आए हुए हैं आजकल। और ये हैं विराजमान हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी, और दूसरी तरफ है ये मैंने जो दक्षिणावर्ती शंख है वो विराजमान किया है, और शालिग्राम जी है, कुबेर यंत्र है, श्री यंत्र है, गणेश लक्ष्मी जी की फोटो है, और ऊपर मैंने विराजमान कर रखा है माता रानी को। तो यहाँ मैंने विराजमान किया है कान्हा जी और राधा रानी को, क्योंकि मंदिर में लाइट्स इतनी है, वाइट कलर का मंदिर है, तो जो भी लाइट जलती है वो एक दूसरे को काट देती है। तो सबसे पहले तो अब येलो लाइट जल रही है, ठाकुर जी और राधा रानी विराजमान है, और ये मैंने लाइट जला दी है अब फोकस लाइट, तो उससे ये कुछ इनका रूप है ऐसा निकल कर आया। तो ये श्रृंगार मैंने किया था नए साल पर, दोनों का युगल जोड़ी के दर्शन नहीं करवाए थे, अलग अलग श्रृंगार के दर्शन आप लोगों को करवा दिए थे। तो सिर्फ आप लोगों के कहने पर मैंने इनका अब तक श्रृंगार नहीं किया था। तो ठाकुर जी को मैंने नथ पहले लेफ्ट साइड में पहनाई हुई थी, तो आप सब लोगों ने कमेंट्स करके बोला था कि मैम ठाकुर जी राइट साइड में पहनते हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि ठाकुर जी को जो मैंने नथ है वो राइट साइड में पहना दिए हैं। तो देखिए, तो ये है इनका नए साल की पोशाक का युगल जोड़ी के दर्शन नए मंदिर में।
चढ़ा है सावन पूरा, मेघों की शाखाएं आज चढ़ा है सावन पूरा, मेघों की शाखाएं सारे हैं पर क्यों रूठी हो कान्हा याद ही आए, जमुना मैंने आपको दिखाया कि ठाकुर जी ने जो अपना मंदिर है वो कैसे बनवाया है। ठीक है, टाइम जरूर लगा लेकिन बहुत अच्छा बनकर आया। थोड़ा लाइट्स ज़्यादा हैं, वाइट बेस है, सब कुछ वाइट वाइट है, तो थोड़ा अभी हमें प्रॉब्लम आ रही है लाइट्स में, धीरे धीरे वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो आपने बोला था कि मैम ठाकुर जी और राधा रानी की नए मंदिर में आरती जरूर दिखाना, तो आपको आरती की वीडियो भी जरूर मिलेगी। तो बस ये मंदिर था, जैसा बनकर तैयार हुआ मैंने आप लोगों को दिखाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।